जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। किसान भाई, खेती में जिप्सम का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और ये खेती के लिए काफ़ी लाभदायक भी होता है, यानी कि हमारी मिट्टी को काफ़ी अच्छा बनाता है। तो किसान भाई, तो आप भी जिप्सम के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि जिप्सम का उपयोग क्यों करें, कब करें और कैसे करें, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जानने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, फसल उगाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन कैल्शियम और सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग, जिससे कैल्शियम और सल्फर की कमी की समस्या धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है। इसकी कमी सघन खेती वाली भूमि, हल्की भूमि और अपक्षरणीय भूमि में अधिक होती है। कैल्शियम और सल्फर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मुख्य अवयवों में आता है, जिनकी पूर्ति के अनेक स्रोत हैं, जिसमें कि जिप्सम एक महत्वपूर्ण उर्वरक है। रासायनिक रूप से जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट है, जिसमें कि 23.3% कैल्शियम और 18.5% सल्फर होता है। जब ये पानी में घुलता है तो कैल्शियम और सल्फेट आयन प्रदान करता है। तुलनात्मक रूप से कुछ अधिक धनात्मक होने के कारण कैल्शियम के आयन मृदा में विद्यमान विनिमय सोडियम के आयनों को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आयनों का मटियारीकरण पर यह परिवर्तन मृदा की रासायनिक और भौतिक अवस्था में सुधार कर देता है तथा मृदा फसलों उत्पादन के लिए उपयुक्त हो जाती है। साथ ही जिप्सम भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों का अनुपात बनाने में सहायता भी करता है। तो दोस्तों, जिप्सम क्यों डालें, इसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। दोस्तों, कैल्शियम और सल्फर की पूर्ति के लिए के डालना जरूरी है और फसलों में जड़ों की सामान्य वृद्धि एवं विकास में सहायता देता है। जिप्सम का उपयोग फसल संरक्षण में भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सल्फर उचित मात्रा में होता है। जिप्सम देने से मृदा में पोषक तत्वों, सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। जिप्सम कैल्शियम का एक मुख्य स्रोत है, जो कार्बनिक पदार्थों को मृदा के कुले कणों से बांधता है, जिससे मृदा कणों में स्थिरता प्रदान होती है तथा मृदा में वायु का आवागमन सुगम बन जाता है। जिप्सम मृदा में कठोर परत बनने को रोकता है तथा मृदा में जल प्रवेश को बढ़ाता है। कैल्शियम की कमी के कारण ऊपरी बढ़ती पत्तियों के अग्रभाग को सफेद होना, लिपटना तथा संकुचित होना होता है। अत्यधिक कमी की स्थिति में पौधे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है तथा इसकी जो है शाखाएं सूख जाती हैं, जो कि जिप्सम डालने से पूरी की जा सकती है। जिप्सम एक अच्छा भू सुधारक है, ये क्षारीय भूमि को सुधारने का कार्य करता है। जिप्सम अम्लीय मृदा में अल्युमिनियम के हानिकारक प्रभाव को भी कम करता है। जिप्सम का उपयोग फसलों में अधिक उपज तथा अधिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा जिप्सम कितना फायदेमंद नजर आ रहा है। जिप्सम का उपयोग कब और कैसे करें? जिप्सम को मृदा में फसलों की बुआई से पहले डालते हैं और जिप्सम डालने के पहले खेत को पूर्ण रूप से तैयार करके 2-3 जुताई करके पाटा लगाकर जिप्सम का बुरकाव करें। इसके पश्चात एक हल्की जुताई करके जिप्सम को मिट्टी में मिला देना चाहिए। क्षारीय भूमि सुधार के कार्यों को प्रारंभ करने का सबसे उचित समय जो है गर्मी का महीना होता है और जिप्सम फैलाने के तुरंत बाद कल्टीवेटर या देसी हल से भूमि की ऊपरी 8-12 सेंटीमीटर की सतह में इसे मिला देना चाहिए। खेती को समतल करके मेड़बंदी करना जरूरी है, ताकि खेत में पानी सब जगह बराबर लग सके। जिप्सम को मृदा में अधिक गहराई तक नहीं मिलाना चाहिए। किसान भाई, जिप्सम के उपयोग में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उनको भी जरूरी है, आप जहन में रहेंगे तो आपके उपयोग में ये काफ़ी फायदेमंद होगी। जिप्सम को अधिक नमी वाले स्थान पर ना रखें तथा जमीन से कुछ ऊपर रखें। मृदा परीक्षण के उपरांत जिप्सम की उचित मात्रा डालें। तेज हवा बहने पर जिप्सम का बुरकाव ना करें। जिप्सम डालने के पहले अगर इसमें ढेले हैं तो आप उन्हें महीन करके फिर उसको प्रयोग करें। जिप्सम का बुरकाव करते समय हाथ सूखे होने चाहिए और जिप्सम का बुरकाव खेत में समान रूप से डालना चाहिए। जिप्सम डालने के पश्चात उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। जिप्सम को बच्चों की पहुंच से दूर रखना जरूरी होता है। तो किसान भाई, आपने देखा जिप्सम हमारी खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग इग्नोर करते हैं और जिप्सम नहीं डालते हैं। इससे सबसे अच्छी चीज़ कैल्शियम और सल्फर है, जो हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो किसान भाई, आप भी इस प्रकार से जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी खेती को फायदेमंद बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।